मुश्किलें कितने भी आए हमें घबराना नहीं है, मुश्किलें कितने भी आए हमें घबराना नहीं है, जमकर पढ़ना है, इस बार एनडीए निकालने से कतराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनडीए एग्जाम सेंटर के बारे में, जो 2021 में आपका एग्जाम सेंटर है उसके बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ सेंटर चूज करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय को गवाए हुए। After taking into an account various aspects of the prevailing scenario, the Union Public Service Commission has decided to conduct the NDA and examination second 2021 on 14th November 2021 instead of 5th September. दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपका पहले एग्जाम 5 सितंबर को होने वाला था, लेकिन करंट सिनेरियो को देखते हुए इस एग्जाम को बढ़ा दिया गया है 14 नवंबर को। अब आपका NDA का एग्जाम होगा 14 नवंबर को, ठीक है। और आज लास्ट डेट है अपने सेंटर लिस्ट को सही करने का। आप अगर सेंटर लिस्ट आपके हिसाब से नहीं है, आप इसमें से कोई भी ऐसा सेंटर लिस्ट है जो आपको नहीं बन रहा है सही से, तो आप उसको चुन सकते हैं। तो दोस्तों तो एग्ज़ाम कब होगा 14 नवंबर को, और पहले कब होने वाला था 5 सितंबर को, ठीक है। आपको जैसे पता है 2021 का एग्ज़ाम। दोस्तों चलिए हम सेंटर लिस्ट को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये सारा सेंटर लिस्ट है, ठीक है। अगरतला, अहमदाबाद, टोटल 41 सेंटर लिस्ट इसमें दिए गए हैं। आइजवाल, प्रयागराज, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, दरवाद, दिसपुर, गैंगटॉक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहट, कोची, कोयमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, हाँ जी पटना भी है, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची, संबलपुर। देखिए ये सब सेंटर लिस्ट है, हम अभी बताएंगे। शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम या तिरुवनंतपुरम, त्रिपुरा, उदयपुर और विशाखापट्टनम, ठीक है। दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा, ये कुल मिला के 41 आपके सेंटर यहाँ पर मैंने बताया है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन में शायद मिला होगा, ठीक है। दोस्तों आप प्रश्न यहाँ पर यह जगता है कि हमें कौन सा एग्जाम सेंटर चुनना चाहिए। स्टूडेंट लोग ना बड़ा अजीब तरह का सोच रखते हैं, पता नहीं किस तरह का उनका सोच होता है। देखो मेरे भाई, जिंदगी भर ना घूमना पड़ा है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखो। बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते, घूमने के चक्कर में क्या करते, सेंटर नज़दीक ना चुन के कहेंगे अरे बाप रे चलो मुंबई यार इबाने घूमो तो लेंगे। मेरे भाई पता है आप मुंबई तो चले जाते हो घूमने के, लेकिन आपका एग्ज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर सेंटर लिस्ट चुनते हैं तो अपने नज़दीकी सेंटर लिस्ट सुने। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा घर कहाँ है, समस्तीपुर, एक एग्जाम्पल में ले लीजिए। और मैं एनडीए का एग्जाम देने जाऊंगा तो मेरा नज़दीकी सेंटर क्या होना चाहिए, पटना, ठीक है, क्या होना चाहिए, पटना। तो मैं एग्ज़ाम पटना में देने जाऊंगा। आप कहीं के भी हैं, आपका जो भी नज़दीकी सेंटर है, जैसे आप मुंबई आपका घर है तो आप प्लीज़ मुंबई ही सेंटर चुनें, क्योंकि इससे क्या होगा आपको एग्ज़ाम देने में सहूलियत होगा, सही समय पर खाना खाकर पहुंच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कभी दोस्त के यहाँ जाते हैं ठीक से, ना तो खाना मिल पाता है ना कुछ मिल पाता है, और प्लस में आपको थकान भी हो जाएगा। मान लीजिए आपका घर पटना है और आपने सेंटर चुन लिया मुंबई, तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि पटना से मुंबई आपको जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, और आपका टाइम भी 2-3 दिन किल हो जाएगा, 2-3 दिन ही नहीं, 3-4-5 दिन किल हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले आप पैसा जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन ये करता हूँ कि आप अपने नज़दीक का सेंटर चुने। नज़दीक का सेंटर चुनने से आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप टाइम पर पहुंच पाएंगे, उससे पहले दिन आप रिवीजन को भी मार सकते हैं। सेंटर पे आप अगर घर से 1-2 घंटा पहले भी चलेंगे तो पहुंच सकते हैं, या 1 दिन पहले भी चलेंगे तो आप पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ एक और एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैं पटना में मेरा एग्जाम होने वाला एनडीए का, एक सपोज कर लीजिए, और मेरा घर है समस्तीपुर, तो समस्तीपुर से पटना जाने में हमें कुल मिला के, अगर मान लीजिए कल एग्जाम है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल की 14 सितंबर का मेरा एग्जाम है, हाइपोथेटिकल क्यों, रियल में ही है, तो हम यहाँ से अगर दोस्तों 13 को भी चलेंगे ना, 13 को दिन में भी चलेंगे, यानी 10 बजे भी चलेंगे, तो हमको शाम तक जो है दोस्तों पहुँचा देगी ये, मतलब पटना की बस, ठीक है। तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, रूम वूम देख सकते हैं, या कोई दोस्त रहता है तो वहाँ रह जाएगा, या कोई सेंटर है या कहीं पर होटल है वहाँ भी हम ठहर सकते हैं, तो हमको टाइम कम लगा। और इससे पहले हम अगर शाम तक पहुँच जाएंगे तो हम शाम में ही सेंटर घूम लेंगे, सेंटर विजिट कर लेंगे, क्या है आसपास में क्या नहीं, ताकि हम, देखिए क्या होता है कि आप जिस जहाँ आप एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा ना, सेंटर वहाँ, उसे आप 1 दिन पहले वहाँ पहुँच जाए, ठीक है, आप सेंटर को देख ले, ताकि आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे उस दिन आपको टेम्पो पकड़ के बौखना ना पड़े, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी था सेंटर लिस्ट के बारे में, और मैं आपको बार बार यही बताना चाहता हूँ कि आप दूर सेंटर ना चुने, आपको बहुत दिक्कत होगा एग्ज़ाम पर, ये बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है आपके रिजल्ट पर भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सेंटर अपने नज़दीक चुनने का प्रयास करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।